नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। 5 साल तक रोजाना 1440 तस्वीर भेजेगा आदित्य L1, जाने कब आएगी पहली फोटो। चांद के रहस्यों से पर्दा उठाने के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने सूर्य के रहस्यों को दुनिया के सामने लाने की तैयारी कर ली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो आज अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर चुका है। भारत ने आज पहला सूर्य मिशन आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। इसरो के मुताबिक इस मिशन को आज यानी 2 सितंबर की सुबह 11:50 पर लॉन्च हो गया है। चांद के बाद सूर्य की तस्वीरों का इंतजार। चंद्र विजय करने के बाद से चांद की कई खूबसूरत तस्वीरें चंद सेकंड में ही हमारे पास आने लगी थी। ऐसे ही लोगों को इंतजार है कि वो पास से सूर्य की तस्वीरें ले सकें। गौरतलब है कि आदित्य L1 का पहला पेलोड विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ यानी VELC लक्षित ऑर्बिट में पहुंचकर रोजाना 1000 से अधिक तस्वीरें भेजेगा, जो अध्ययन में मददगार साबित होंगे। इस खबर में हम आपको बताएंगे आखिर सूर्य की सबसे करीब से ली गई तस्वीर कब सामने आएगी। क्या है आदित्य L1 मिशन? आदित्य L1 मिशन भारत का पहला सौर मिशन है। इस मिशन के जरिए इसरो सूर्य से जुड़े कई रहस्यों पर से पर्दा उठाने वाला है। इस मिशन पर देश के साथ ही पूरी दुनिया की नजर है। दरअसल इस मिशन से सूरज की बाहरी परत कोरोना, कोरोनल मास इजेक्शन यानी सूर्य में होने वाले शक्तिशाली विस्फोट, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियां और उनकी विशेषताएं, सौर तूफान की उत्पत्ति आदि कारकों का अध्ययन किया जाएगा। क्या है L1? भारत अपने सैटेलाइट को लैग्रेंजियन 1 बिंदु पर स्थापित करने के लिए आदित्य L1 लॉन्च किया गया है। दरअसल सोलर अर्थ सिस्टम में कुल 5 लैग्रेंज बिंदु हैं, जहां आदित्य L1 जा रहा है। यह ऑर्बिट पृथ्वी से लगभग 15,00,000 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने के लिए यान को कुल 4 महीने का समय लगेगा। गौरतलब है कि पृथ्वी से L1 की दूरी सूर्य से पृथ्वी की दूरी का केवल 1% हिस्सा है। VELC पेलोड हर मिनट भेजेगा एक तस्वीर। आदित्य L1 की परियोजना वैज्ञानिक और VELC की संचालन प्रबंधक डॉक्टर मुथु प्रियाल ने बताया है, तस्वीर चैनल की ओर से हर मिनट एक तस्वीर भेजी जाएगी, यानी 24 घंटों में लगभग 1440 तस्वीर सामने आएंगी। गौरतलब है कि यान की मदद से पहली तस्वीर फरवरी महीने में सामने आ जाएगी। VELC पेलोड आदित्य L1 पर सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से सबसे चुनौतीपूर्ण रहा पेलोड है। IIA अधिकारियों के मुताबिक 190 किलोग्राम का VELC पेलोड अगले 5 सालों तक हर मिनट एक तस्वीर भेजेगा। दरअसल अनुमान लगाया गया है कि इस उपग्रह का आयु 5 साल होगी। दरअसल ईंधन की खपत के आधार पर इस बात का अंदाजा लगाया गया है, लेकिन आने वाले समय में कम या ज्यादा भी हो सकता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।